नमस्कार साथियों, साथियों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिव्यांगजन के द्वारा मांगी जाने वाली मांगों को लेकर। उन पर जो है विशेष हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ ऐसी मांगे हैं जो दिव्यांगजन मांग रहे हैं और उनकी अभी तक मांगे जो है पूरी नहीं हुई है, और उम्मीद है कि ये सारी मांगे आपके चुनाव से पहले, इलेक्शन से पहले कम्प्लीट हो जाएगी। तो जानते हैं क्या कौन कौन सी मांगे हैं जो उमाशंकर जी ने खुद जो है दिव्यांगजनों के संदर्भ में आके उनसे राजस्थान सरकार से मांग की है कि इन इन सुविधाओं को दिव्यांगजनों के संदर्भ में लागू की जाए। तो बहुत ही जल्द कुछ ऐसी स्कीमें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, योजनाएं हैं जो जल्द ही लागू होने वाली हैं। आइए उनको देखते हैं हम, जो कि आपके आचार संहिता तक जो है कम्प्लीट होने वाली है, उनकी गाइडलाइन जारी होने वाली है। दिव्यांगों को इनका है इंतज़ार, किन किन का देखिए। दिव्यांगों को मुक्त शिक्षा और व्यवसाय शिक्षा ये जो है करवाया जाए, ये दिव्यांगजन मांग रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा प्रतिभावान दिव्यांग विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रखने के लिए प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत 500 रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये भी दिव्यांगजन मांग रहे हैं कि दिव्यांगजनों को छात्रवृत्ति में, स्कॉलरशिप में 500 रुपये अधिक दिए जाएँ, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए दिव्यांगों की पुत्रियों की विवाह की राशि बढ़ाना, दिव्यांगजन जो भी होंगे अगर पुत्रियों की शादी होती है तो उनमें जो राशि है वर्तमान में जो भी है उनको बढ़ाना। दिव्यांगजनों का स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेषज्ञों से परामर्श कर महती कार्य योजना बनाना, ठीक है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर दिव्यांगों की पहुँच बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाना। क्या होता है कि कई बार सार्वजनिक स्थलों पर दिव्यांगों का अपमान या कुछ ऐसे जो हो जाते हैं जिसके कारण वहाँ पर ऐसा उनके साथ न्याय नहीं होता, वो बैठ नहीं सकते, वो मतलब उनको साइड में रहना पड़ता है जबकि वो खड़े नहीं हो सकते, फिर भी ऐसे स्थानों पर उनके लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए, ये भी दिव्यांगों की मांग है। इसके अलावा दिव्यांगों की विशेष योग्यता देखते हुए सरकार में उपलब्ध पदों की चिन्हित कर उन पर नियुक्ति के लिए आरक्षण की व्यवस्था, ये भी अभी लागू है, लेकिन अगर हम ऑल ओवर दिव्यांगजनों को देखें तो मात्र 4% आरक्षण है, वो भी कैटेगरी वाइज अलग अलग हो जाते हैं, तो उसको भी बढ़ाना, ये तो आप जानते ही, हम चर्चा कर ही रहे थे। इसके अलावा सामान्य स्त्री पुरुष की ओर से दिव्यांग पुरुष स्त्री से विवाह करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़बरदस्ती, मुझे लगता है खुशी वाला काम भी है मेरे हिसाब से, कई दिव्यांगजनों को झटका भी लगेगा। दिव्यांग पुरुष स्त्री से विवाह करने पर यानी एक लड़की जो दिव्यांग है और नॉर्मल से विवाह करती है ना, सामान्य स्त्री यदि दिव्यांग से जो है विवाह करती है या सामान्य पुरुष से, उसे कोई अगर कोई भी जो है दिव्यांग लड़की से शादी करता है, यानी कुल मिलाकर दोनों में से एक दिव्यांग होना चाहिए, लड़का दिव्यांग हो या लड़की दिव्यांग हो, और दूसरा जोड़ा जो है वो दिव्यांग नहीं होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए, वो भी चाहे लड़का हो या लड़की हो, यानी दोनों में से एक यदि दिव्यांग है, चाहे लड़का हो लड़की है, ठीक है ना। तो स्त्री से विवाह करने पर, यानी जो भी दिव्यांग से शादी करेगा है ना, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, शादी करने वाला सामान्य होना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो उसे भी जो है प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ठीक है ना। तो ये स्कीमें जो है आपके आचार संहिता से पहले दिव्यांगजनों को मिल जाएगी निश्चित ही, टेंशन मत लीजिएगा। आई बात समझ में आपको, अच्छी तरह से आचार संहिता तक ये लागू हो जाएगी और आपके जो है आपके इलेक्शन से पहले, चुनाव से पहले इन मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। ये वाला मतलब ये तो मेन है, इसके अलावा भी कई ऐसे हैं जैसे BPL आरक्षण बढ़ाना, दिव्यांगों को कैटेगरी कट ऑफ से लेकर कई चिंताजनक विषय उन पर भी हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन ये जो मैंने आपको बताया वो सबसे करके मेन यहाँ पर वाला है, ये आपके आचार संहिता से पहले और इलेक्शन से पहले कम्प्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है ना साथी।